क्या आप भी गेहूं की रोटी खाकर हो रहे हैं बीमार? अपनी शुगर को आप बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसी रोटी के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। 250 से 300 अगर आपकी शुगर जा रही है, इंसुलिन अगर आपको लेना पड़ रहा है, तो आज मैं ऐसी रोटी आपको बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपके शुगर लेवल बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और आप इंसुलिन लेना छोड़ देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये रोटी बनाना कैसे है। हम सब लोग जानते हैं कि ये सीड्स जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये जो मिक्स सीड्स होते हैं, इसमें हमने कौन से बीज लिए हैं? इसमें हमने अलसी के बीज लिए हैं, इसमें हमने कद्दू के बीज लिए हैं जिन्हें हम पंपकिन सीड भी बोलते हैं, सनफ्लावर सीड हमने लिए हैं, इसमें हमने कलौंजी ली है और इसमें हमने सफेद तिल भी लिए हैं। तो इसकी रोटी आज हम बनाने जा रहे हैं। तो कैसे आपने इसकी रोटी को बनाना है? आपने एक रोटी को बेल लेना है और उसके ऊपर ये सीड आपने सारे लगा देने हैं। सीड्स को आपने इस रोटी के ऊपर लगा कर फिर आपने इस रोटी को उठाकर तवे पर डाल देना है। अगर आपके सीड्स उठाते हुए उतर जाते हैं फिर से आप उसके ऊपर सीड्स डाल दीजिए। आपने इसको तवे पर ही सेकना है। इसको गैस पर सेकने से क्या होगा, आपके सारे सीड्स जो हैं वो नीचे उतर जाएंगे। तो आपने इसको धीरे धीरे एक तरफ से पहले सेक लेना है और जिस तरफ से हमने सीड लगाए उधर से इसको हमने पलट देना है। पलट कर हमने रोटी को अच्छे से दबा दबा कर सेक लेना है। कोशिश करिए आप रोटी ही बनाई, इसके ऊपर घी मत डालिए। बनने के बाद आप इसके ऊपर एक चम्मच घी लगाकर खा सकते हैं। ये हमारी रोटी बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। अब इस रोटी से क्या होगा, इस रोटी को खाने से डायबिटीज कंट्रोल होगी, आपका बीपी सही रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। खाली गेहूं के आटे की रोटी खाने से बचिए। गेहूं के आटे में आप बेसन मिलाकर खाइए, ये सीड्स वाली रोटी आप बनाकर खाइए और काफी बीमारियों से आप ये रोटी खाकर बच सकते हैं, क्योंकि इन सीड्स के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि इनमें ओमेगा फैटी थ्री एसिड्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इसकी रोटी बनाकर खाते हैं तो आपके दर्दों में भी आपको आराम मिलेगा। तो आप इसकी रोटी बनाकर एक बार जरूर खाइए।